गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेब्ट। और कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेब्ट का क्वेश्चन आंसर सीरीज में ये है क्वेश्चन नंबर टू। इसके पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर वन कर चुके हैं, ये है क्वेश्चन नंबर टू। अगर आप इसके पहले वाली क्लास नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर आप क्वेश्चन नंबर वन पहले चेक करें, फॉर्मूला देखें, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर टू करेंगे। इसी तरीके से इस सीरीज में हम क्वेश्चन नंबर वन टू थ्री करके कम से कम 10 या 15 क्वेश्चन आपको कराएंगे। तो ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू। अ कंपनी विशेस टू इशू 10,000 10% डिबेंचर ऑफ 10 ईच 10% प्रीमियम रिडीमेबल एट पार आफ्टर 10 ईयर्स। द रेट ऑफ टैक्स इज 50% डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ डेब्ट। सबसे पहला बात, क्वेश्चन में कैसे पहचानें कि रिडीमेबल डेब्ट है या इरिडीमेबल। तो रिडीमेबल डेब्ट मतलब क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा कि कंपनी कितने साल के बाद पैसे वापस करेगी। तो कंपनी 10,000 डिबेंचर इशू किया है 10 रुपीज़ वाला 10% प्रीमियम पर, और इस पैसे को वापस करेगी रिडीमेबल एट पार आफ्टर 10 ईयर। और कितना वापस करेगी? एट पार मतलब जो फेस वैल्यू है उतना अमाउंट वापस करेगी। तो ये रिडीमेबल डेब्ट का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन में लिखेंगे इसका फॉर्मूला, या पहले लिख दो फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कितना है? 10,000 डिबेंचर है, एक की प्राइस है 10 रुपया, मतलब 1,00,000 रुपया। उसके बाद इंटरेस्ट निकालेंगे, फॉर्मूला लास्ट में लिख लो। इंटरेस्ट है जो है हमेशा आपका फेस वैल्यू पर निकाला जाएगा, 1,00,000 का। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में देखो 10% दिया हुआ है, 10,000 रुपीज़ इंटरेस्ट हो गया। अब हमारे फार्मूला में जो जो रिक्वायरमेंट है, जैसे देखिए फार्मूला में रिक्वायरमेंट क्या होता है, इंटरेस्ट, रिडीमेबल वैल्यू, नेट प्रोसीड, इन सारे टर्म्स को पहले हम लोग निकालेंगे। उसके बाद आपको निकालना है एन। मतलब होता है कंपनी कितने साल के बाद पैसे वापस करेगी। तो देखो लिखा हुआ 10 ईयर, आफ्टर 10 ईयर्स। तो लिखेंगे नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ रिडम्पशन। रिडम्पशन मतलब रीपेमेंट, 10 ईयर्स। और फिर लिखो रिडीमेबल वैल्यू, कंपनी पैसा कितना वापस करेगी। तो ये बात भी क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा, रिडीमेबल एट पार। पार मतलब जितना फेस वैल्यू है वही पैसा कंपनी वापस करेगी डिबेंचर होल्डर्स के। एट पार का मतलब फेस वैल्यू 1,00,000 रुपया। अब हमें चाहिए एनपी। एनपी मतलब नेट प्रोसीड। जब भी आप क्वेश्चंस बनाएंगे कॉस्ट ऑफ डेब्ट का, तो नेट प्रोसीड ही डिफरेंट निकालना आपको पड़ेगा हर क्वेश्चन में, बाकी तब सेम ही रहता। कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रोसीड, सबसे पहले लिखोगे फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कितना है? 10,000 डिबेंचर है, एक की प्राइस है 10 रुपया, मतलब 1,00,000। अब कंपनी इसको इशू कैसे कर रही है? तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है अ कंपनी विशेस टू इशू 10,000 10% डिबेंचर ऑफ 10 ईच एट 10% प्रीमियम। 10% प्रीमियम पर इशू कर रही है, तो इसको बोलते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम। 1,00,000 का 10%, 10,000, ये हो जाएगा 1,10,000। अगर प्रीमियम है तो प्लस करोगे, और डिस्काउंट होते माइनस। जैसे पिछला क्वेश्चन में कंपनी ने डिस्काउंट में डिबेंचर इशू किया था, तो हमने यहाँ पर माइनस करा था, देखो ये वाला। लेकिन यहाँ पर आपको चूँकि प्रीमियम इशू हो रहा है इसलिए प्लस करेंगे, और इसको बोलते हैं इशू प्राइस। और क्वेश्चन में अगर कोई एक्सपेंसेज हो तो उसको लेस कर दो। क्या कोई क्वेश्चन में एक्सपेंसेज है? नो, कोई भी एक्सपेंसेज क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, तो रहने दीजिए, एक्सपेंसेस क्वेश्चन में नहीं है। तो एक्सपेंसेस नहीं है तो यही 1,10,000 जो है वो हो गया आपका नेट प्रोसीड। तो 1,10,000 मतलब कंपनी को डिबेंचर इशू करने से पैसे कितने आए हैं नेट, सारे खर्च वर्चे हटाने के बाद, उसको बोलते हैं नेट प्रोसीड। तो सारे अमाउंट हमारे पास आ चुके हैं। अब हम फाइंड करेंगे कॉस्ट ऑफ डेब्ट, के डी बिफोर टैक्स। फार्मूला क्या होता है? इंटरेस्ट प्लस रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड बाय एन होल डिवाइडेड बाय रिडीमेबल वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड बाय टू,
इंटू 100, तो इंटरेस्ट है 10,000 रुपीज़ प्लस रिडीमेबल वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ 1,00,000 माइनस नेट प्रोसीड 1,10,000 बाई एन, कितने साल के बाद कंपनी पैसे वापस करेगी, तो 10 साल के बाद, डिवाइडेड बाई सेम चीज 1,00,000 प्लस 1,10,000 नेट प्रोसीड और बाई 2, एवरेज निकालने के लिए 2 से करते हैं डिवाइड और इंटू 100, तो ये हो गया 10,000 प्लस 1,00,000 में से 1,10,000 माइनस करेंगे तो बचेगा माइनस 10,000 बाई 10 डिवाइडेड बाई 1,00,000 और 1,10,000, 2,10,000 बाई 2 इंटू 100, इसको कट कर दो बचेगा 1,000, तो 10,000 में से 1,000 माइनस करेंगे बचेगा 9,000 डिवाइडेड बाई 1,00,000, 2,10,000 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1,05,000 इंटू 100, 2 0 कैंसिल, 1 0 यहाँ से कैंसिल, बच गया 900 डिवाइडेड बाई 105, इसको डिवाइड करने पर आ रहा है 8.57, तो बिफोर टैक्स आया आपका 8.57%, इसी को आफ्टर टैक्स पे निकालो KD आफ्टर टैक्स, तो आफ्टर टैक्स में कुछ नहीं करना है, सेम फार्मूला होगा I प्लस रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड बाई N डिवाइडेड बाई रिडीमेबल वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड बाई 2 इंटू 100, और इसको 1 माइनस टैक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसके बदले में हमने ऑलरेडी निकाल चुका है 8.57%, तो दोबारा से पूरा ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस इसके जगह में लिख दो 8.57 और इंटू 1 माइनस टैक्स, और टैक्स के रेट अपने क्वेश्चन में दिया हुआ है 50%, तो 50% को लिखते हैं 0.50, 8.57 इंटू 1 में से 0.50 माइनस करेंगे तो आएगा 0.50, और इसको मल्टीप्लाई करने पर अपना रिजल्ट आएगा 4.29%, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 डन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू।